ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलने को तैयार? सच्ची तैयार? एक होता है कि हाँ चलो, चलना ही है तो चलो, और एक है पूरी तैयार, तैयारी के साथ चलना। तो जब पूरी तैयारी के साथ चलते हैं तो ज्यादा आनंद आता है इसलिए सब पहुंच गए, तैयारी में रेडी हैं। इसके लिए तो आप बिल्कुल पास है, इसके लिए एक बार अपने ताली जरूर बजा लें। आपकी लगन, आपकी निष्ठा, बाबा के लिए प्यार, ये तो इसका एक सुंदर प्रमाण है कि आप सब यहाँ पहुंच गए हैं ऐसी माहौल और ऐसी स्थिति में भी। लेकिन अपने आप को देखना है, मैं एवर रेडी हूँ, पूरी तरह तैयार हूँ। बाबा जो देने के लिए आए हैं, क्या मैंने सब कुछ ले लिया? क्या मैं पूरी तरह से बाबा के साथ जो सर्व संबंध है उनकी रसनाओं को मैं ले चुकी हूँ? बाबा जो देने आए हैं उनको लेकर के तैयार हो चुकी हूँ? वो अपने आप को देखना है, क्योंकि शिव की जब बारात चलेगी तो एक होंगी सजनी और दूसरे बाराती होंगे। तो जो सजनिया बन के चलेंगे वो जरा हाथ उठाएं, जो शिव की सजनिया बन के चलेंगे, अच्छा ठीक है, और जो बाराती बन के चलेंगे, अच्छा दो चार बाराती भी हैं, यहाँ बारातियों की संख्या कम है वैसे बाराती ज्यादा होते हैं, सजनियाँ कम होती हैं। तो यदि सजनी बन के चलना है तो सजनी कैसी होती है? मैं हमेशा माताओं से पूछता हूँ, जब आप अपने मायके से पहली बार ससुराल आई तो कैसे आई? ऐसा तो नहीं कहा भाई साहब को एक ड्रेस पहन के कि चलो जी चलते हैं, ऐसा तो नहीं किया ना? बिल्कुल सज धज के, 16 श्रृंगार करके आप आए, जितना सज सकते थे उतनी सजी। अब शिव साजन के साथ चलना है तो कैसे सज चलना होगा? सज धज के, सजनी बन के वो जाएगी जो संपूर्ण रूप से सजी सजाई होगी ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। हमें अपने आप को सजाना है, ये समय है। और यदि सजे हुए नहीं होंगे तो अपने आप बाराती में शामिल हो जाएं। शिव की बारात देखिए ना कैसे होती, लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे, भूत, प्रेत, पिशाच सब शामिल मतलब जैसे घंटी बजी, जो जिस कंडीशन में है चलो आप, हा? जिस कंडीशन में हो चलो, तो उसमें सब शामिल हो जाते हैं। इसीलिए हमें सजनी बन के चलना है, सजनी बन के, क्योंकि शिव इतना सुंदर, हमारा श्रेष्ठ जो सर्वोच्च है, परम पिता है, उनकी सजनी को कैसा होना चाहिए। और यदि पति बहुत लौकिक में भी हैंडसम हो और पत्नी उतनी ठीक ना हो तो लोग क्या कहते हैं? जोड़ी में मजा नहीं आया तो हमारी जोड़ी देख के लोग ये ना कहें, मजा नहीं आया, पति तो बड़ा लेकिन पत्नी उतनी ठीक नहीं है। तो मैं इतनी उनके समान बन जाऊं, इतनी श्रृंगारित हो जाऊं कि लोगों को देख के लगे कि हाँ, ये शिव पार्वती की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, राइट? और वो कैसे होगा? हमारी योग से, योग से, जिसको बाबा कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो जिसके समान मुझे बनना है, जिसके साथ मुझे चलना है, जो सारे कल्प में केवल एक बार मुझे मिला है, अब बस मैं उसके अंग संग रहने लगूं, जिसको बाबा ने आज कहा ऊपर रहो मेरे साथ। साथ रहेंगे, समान बनते जाएंगे, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हम एग्जाम्पल भी देते हैं लोगों को, सागर के किनारे जाओ, ऑटोमेटिक शीतलता मिलती है। आग के पास बैठो, ऑटोमेटिक उसकी उष्मा मिलती है। भगवान के साथ रहो, ऑटोमेटिक उसकी शक्तियां, उसके गुण भरते चले जाएंगे। इसीलिए हम साथ साथ रहें। कैसे रहेंगे सारे दिन साथ? कर्मयोग की बात है ना।